अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत ज़्यादा से। आज जो है ना मैं जा रही हूँ शॉप पे, तो क्या हो माशाल्लाह से आज अध्ययन की तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उसको स्कूल में नहीं भेजी थी आज, है ना दी? और बता तेरा हेयर कट, बता देखो तब प्यारा लग रहा चेहरा होता ना सामने से, सलाम कर दे सबको। अस्सलाम, ये निकाल के बता। अच्छा ये पहन के बता फिर, कुछ तो कर ठीक है। देखा तो ये वाला हमको नहीं करवाना था, ये समझ में नहीं आया उसने कब कर दिया, है ना ध्यान? देखो नहीं पता चला ना, टाइम बोलने के लिए बोल रही थी मैंने साइड में, तो उसने ये सब कर दिया। और आया जब से बड़ा कि मम्मा हमारे इसमें तो ये हराम है, पर अब मैं क्या करूँ, मैं जाने दे बच्चा जल्दी। मम्मा मैं क्या बोल रहा था बोलू, ऐसा वाला बोल रहा था। अच्छा ठीक है, अबू ने मेरे पास सोना नहीं ऐसा अबू को भी नहीं पता चला। अबू को लगा वो जस्ट वन लाइन मार रहा है, उसने पूरा क्रॉस मार दिया। ठीक है जाने से बढ़ जाएगा। अबू को डांटू? अबू अब उन दोनों को डांटेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमारी बैग हो गई पैक और अभी हम लोग जा रहे शॉप के लिए, क्योंकि आज है थर्सडे 4 अप्रैल, तो आज ये नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और मैं कुछ खास नहीं बनाई हूँ आज, कुछ मूड नहीं था तो समोसे बना दिए। अब थोड़ा पार्सल लेके जाऊँगी, तरबूज भी लेना है बाहर से। तो आज मुझे कुछ बातें करने की थी आप लोगों से। आज जो है मेरी इस जो इंतकाल हो गया उसका आज बर्थडे है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग उसके लिए दुआ कीजिए और उसके दोनों मासूम बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप उनको अपनी दुआ में शबे कदर में याद रखेंगे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स उन तीनों के लिए आप दुआ कीजिए। तो आज मेरी बहन का बर्थडे है, तो इंशाल्लाह से मैं दुकान से आने के बाद आपको उसका इंतकाल कैसा हुआ क्या हुआ इंशाल्लाह से कोशिश करूँगी बताने की। वैसे तो अम्मी मुझे मना की है क्योंकि मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है वो सब बातें करने से, मुझे थोड़ा एंजाइटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर भी इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी कोशिश करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से। तो ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप पर, तो वहाँ पर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खाना खा ही नहीं जाता है, ये कलिंगड़ी मज़ा आती है खाने को। मेरे हस्बैंड को लेके जाते हैं ना हर दो दिन को, कभी वो नहीं आया तो मैं आती हूँ। अच्छा ये 100 वाला ही लेके आते, वो बड़ा वाला देखो चश्मे वाले लंबे जैसे। अच्छा पतला से, पतले से लंबा चश्मे वाले हर दो दिन को लेते। हाँ ला ले, ठीक है देखो। अभी मैं जा रही हूँ दो मिनट में, कल फ्राइडे है। पहले सैटरडे तो मैं फुल है, फुल वो फुल हमारे सैटरडे तो मैं फुल में। चलो फ्रेंड्स अभी हमने ले लिए है वाटर मेलन, है ना दिया? और अभी हम स्कूटी से जाएंगे स्टेशन तक, स्टेशन सामने ही है, फिर स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से हम लोग जाएंगे ट्रेन से, है ना अध्ययन? अध्ययन सीधा फेस करो, दिमाग खराब हो गया दवा पी पी के ना। तो चलो अभी जाते हैं हम लोग स्टेशन, ठीक है? बाय बाय, बोलो बाय बाय। हो गई और इफ्तारी के बाद की चाय, तो घर पे तो ये बना के देते और बाहर भी ला के देते, तो आओ आप सभी चाय पीने। और बेटा है कौन देखते अजना, इफ्तारी के बाद बिल्कुल भी जूस वगैरह मैंने लाई थी बनाकर, लेकिन मूड नहीं हुआ चाय पीने का, मूड हो रहा था तो सबसे पहले मैं चाय पी थी, उसके बाद इतनी गर्मी बढ़ गई नहीं 8-10 दिन में, तो कोई चेहरा ख़राब हो रहा है पूरा, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मुझे, कुछ तो लगाना पड़ेगा, है ना? कुछ होम रेडी में आपको भी पता होगी तो मुझे भी ज़रा बता दो। तो चलो अभी मैं मेरी चाय पीती हूँ वरना ठंडी हो जाएगी। वालेकुम फ्रेंड्स, तो आज है ना अलविदा जुम्मा है और मेरी तरफ से आप सबको जो है ना जुम्मा मुबारक। तो आप देख ही सकते हैं मैं सोकर उठी हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं आज इफ्तारी बनाने का, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज पूरा दिन मैंने जो है ना बाहर मेरा काम था, तो बहुत ज़्यादा धूप में जाना आना पड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी थक गई हूँ, तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मूड नहीं हुआ। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ किचन में, तो चिकन भी लेकर आई हूँ मैंने, अभी सोची हूँ कि उसका कुछ बनाती हूँ तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था बनाने का, लेकिन फिर भी बनाना तो है, तो जब अब इफ्तारी बनाते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैंने ना चिकन जो है ना कट कर ली हूँ, तो मैंने दो टाइप का चिकन कट किया, एक थोड़े बड़े पीस रखे और एक स्मॉल पीसेस रखी है। तो स्मॉल पीस का जो मैं बनाने वाली हूँ, अध्ययन को बहुत ज़्यादा पसंद है जो टिक्का होता है ना चिकन का, वो बनाने वाली हूँ। और एक मैं बनाने वाली हूँ जो क्रिस्पी थ्रेड चिकन होता है ना, वो जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा बाहर मार्केट में स्ट्रीट फूड पे मिलता है रमज़ान में, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। तो वो मैं पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, मुझे पता नहीं वो कैसा बनेगा क्योंकि मैंने आज तक नहीं बनाई हूँ। नॉर्मल से मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ, लेकिन ये वाला मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही नया है। और यहाँ पर मैं अभी बना रही हूँ फालूदा, तो ये मैंने रेडीमेड पैकेट लाई थी डीमार्ट से। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस दूध गर्म कर दो और उसमें उसको ऐड करो और 10 मिनट पकाओ। तो शक्कर वगैरह भी इसमें ऐड नहीं करना पड़ती, बट मैं अपने से रूहअफ़ज़ा उसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध ली थी और उसमें थोड़ा डालने के बाद मैंने उसको पढ़ा, मैं पहले पढ़ना भूल गई थी, तो तब मुझे पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि उसमें 1 लीटर दूध लिखा है। तो मैंने फटक से क्या की, अपना जो बर्तन है वो चेंज की और उसमें दूध ऐड की। तो और उसमें साथ में लिखा था कि 1 गिलास पानी भी आप इसमें ऐड करें, तो मैंने यहाँ पर फिर 1 लीटर दूध लिया और उसमें 1 गिलास पानी ऐड की और वो जो पैकेट था वो उसमें मैंने ऐड कर दी। तो मैं जो है ना मेरे तरीके से बना रही थी, जिस तरह से मैं जो उसकी जो सेवई और बनाती हूँ उस तरह से मैं बना रही थी, लेकिन उस पर जो तरीका है बाद में मैंने सोचा नहीं उसके तरीके से ही मैं बनाऊँगी। बट मुझे कलर थोड़ा सा ना लाइट लगा, मुझे लगा नहीं कि वो फालूदा, तो आप ही देख सकते क्या वो आपको लग रहा है फालूदा है, बिल्कुल वाइट कलर लग रहा था दूध का। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें घर से अपनी चॉइस से मैंने उसमें जो है ना रूहअफ़ज़ा ऐड किया ताकि वो उसका कलर अच्छा दिखे। तो उससे क्या होगा ना, वो फालूदा जैसा फील आएगा। यहाँ पर उसकी खुशबू अच्छी आ रही थी, टेस्ट पता नहीं, अभी रोज़ा था मुझे तो नहीं पता, बट मे भी अच्छा हो, लेकिन उसका कलर मुझे नहीं लगा कि वो फालूदा जैसा है। तो मैंने उसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा रूहअफ़ज़ा, और यहाँ पर पहले मेरे पास थोड़ा सा रूहअफ़ज़ा था वो मैंने ऐड किया, बाद में फिर मैं जो घर में रूहअफ़ज़ा की बॉटल थी वो भी अब इसमें ऐड कर दूँगी। शूट करने के लिए आ जा, जल्दी आ जा। अंडा में तू मेरी हेल्प करेगा ना शूट करने में। क्या बना रहे हो? अंडे के वो तुझे पसंद है ना, वो स्टिक। हाँ वो बना रहे हैं। बट एक शर्त है। क्या? तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। मम्मा मैंने चाकू दिया था। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम लोग को चिकन को कर लेना है मैरिनेट। तो वो तो हमारा जो हमेशा का तरीका होता है मैरिनेशन का, वही हमको करना है। हमको क्या करना है, एक अंडा लेना है, और यहाँ पर आप देखो फ्रिज में अंडा रखने से क्या हो गया था ना, वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे जम गया था। तो उसको मैंने थोड़ा सा स्टर की, उसके बाद उसमें मैंने ऐड की थोड़ा सा तेल और जितने भी पाउडर मसाले हमारे पास, जैसे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, वो सब कर देने हमको उसमें ऐड। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड करने वाली हूँ और थोड़ा सा फ्रूट कलर भी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड किया ताकि वो अच्छा कलरफुल दिखे। और मुझे लगा था कि अध्ययन बोल रहा था जो शिमला मिर्च और प्याज वाला जो होता है ना टिक्का, उसकी वो बात कर रहा था, तो इसलिए मैंने वो वाला बनाई। लेकिन बाद में जब उसने आकर देखा तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया था, उसको चाहिए था जो स्ट्रीट फूड पे मिलता है ना, जो काढ़ी में लगा कर देते और उसके बाद उसको अंडा लगा कर तल देते, वो वाला उसको चाहिए था। तो वो फिर मैंने उसको मना ली कि बेटा अभी मैंने तो प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, तो मैंने सारे वेजिटेबल्स कट कर चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अभी नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। तो उसकी वो एक डिश बाकी है, वो बोला है कि मम्मी ये नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर बनाएं, और एक तो ग्रीन वाला टिक्का आप बनाएं। तो वो दो चीज़ इंशाल्लाह से मेरे रमज़ान का महीना पूरा होने से पहले इंशाल्लाह मेरे बच्चे की फरमाइश के हिसाब से मैं बना दूंगी। और यहाँ पर अभी मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 बड़े चम्मच के करीब जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैं एक ही जो है ना बना रही हूँ मैरिनेशन का जो मिश्रण है वो, ये दोनों में काम आने वाला है, सेम प्रोसेस रहेंगी, तो इसलिए मैं एक ही साथ में दोनों को जो है ना मैरिनेट करके रखूँगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने निकाल दी हूँ जो है ना बेसन का आटा, तो मैं इसको एक जो है ना डब्बे में भरना भूल गई हूँ, और मेरे पास अभी फ़िलहाल में कुछ खाली भी नहीं है क्योंकि रमज़ान की वजह से बहुत सारे सामान लेकर आई हूँ।
तो उसके लिए वो जब कुछ खाली हो जाएगा तब उसमें फिर मैं उसको मैं फिल कर दूंगी। तो इसको मैंने कर लिया अभी अच्छे से मिक्स, और फिर उसके बाद में अभी जो है ना उसमें मैं डालना भूल गई थी दही। तो यहाँ पर हमें जो है ना ये गाढ़ा दही 2 से 3 चम्मच डालना है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और ये मैंने घर में जमाई थी और माशाल्लाह से इतना अच्छा जमा था। तो इसके भी मैं जो रेसिपी वो ज़रूर आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर में अच्छा सा गाढ़ा सा दही जो है ना जमा सकते। तो अब मैंने इसको कर लिया अच्छे से स्टर, और उसके बाद में फिर मैं जो है ना चिकन को मैरिनेट कर दूँगी। तो मैं एक साथ में दोनों को कर दूँगी और फिर उसको 10 मिनट के लिए साइड में रखूँगी, क्योंकि वो अच्छे से फिर एक दूसरे में जो है ना मसाले चिकन में लगना चाहिए। तो इस तरह से मैंने पहले जो बड़े वाले कट की थी तो एकदम पतला पतला पीस कट करना है, और इस तरह से। तो आप चाहे तो इससे बड़ा साइज़ भी ले सकते हैं या तो इससे छोटा भी ले सकते हैं, बट मैंने मीडियम साइज़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इन सबको कर दूँगी अच्छे से इस तरह से मैरिनेट। और यहाँ ये आए अभी शॉप से, तो उनको मैंने बोली कि प्लीज़ थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने वेजिटेबल्स कट करके रखे, आप बस जो है ना आप स्टिक में उसको लगवा दो। तो वो मुझे बोले एक टाइम तो मुझे करके बता दे, फिर मैं नीचे बैठ कर तेरी हेल्प कर दूँगा, क्योंकि उनको आने को सवा 6 बज गए थे और अभी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था, तो दोनों काम मुझे फटाफट करने के थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर दिया, अभी मेरा एक चिकन का काम हो गया। अब जो ये छोटे छोटे पीसेस थे उसको भी मैं इसी में डाल के मैरिनेट कर दूँगी, ठीक है। और इन दोनों को 10 मिनट के लिए मैं साइड में रखूँगी। तो यहाँ पर अरियन भी आया था कि अबू भी हेल्प कर रहे हैं तो मैं भी हेल्प करूँगी। तो मैंने उसको बोली कि नहीं बेटा तू जा पहले फ्रेश हो, कपड़ा चेंज कर, और फिर तू आकर मेरी हेल्प करना। तब इसको मना कर कैसे तुम्हें मैंने भेजी हो, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसके अब्बू कुछ काम करते हैं और उसको कुछ काम करने को नहीं दिया गया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था ये थोड़ा सा पतला था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये थ्रेड चिकन किस तरह से बनता है। तो ये है समोसे की जो शीट्स होती है ना वो है, तो उसको इस तरह से बीच में से आपको 2 कर देना है, और ये 3-4 शीट्स आपको ले लेना है, और उसके इस तरह से एकदम पतले पतले जो है ना पीसेस कर लेने हैं। तो ये है ना मैंने फ्रीज में से डायरेक्ट निकाली थी, तो मैं ये इसको फ्रीज में रखती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको उसको ना पहले से ही फ्रिज से बाहर निकालना रख देना है, ताकि इस तरह से जो है ना आपको मेरी तरह ना ताकत नहीं लगाना पड़ेगी। तो मैंने अभी यहाँ पर ये फटाफट ये काम किया, तो इसके मैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे और लंबे लंबे मैंने इस तरह से पीसेस कर ली हूँ। यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ उसको फ्राई। तो इसको फ्राई के लिए आपको सिंपल जिस तरह से आप नॉर्मल चिकन फ्राई करते हो उसी तरह करना है, मीडियम फ्लेम पे। और आपको फिर मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसको स्लो पे भी थोड़ी देर रखना है, क्योंकि चिकन को अंदर से पकने के लिए टाइम लगेगा। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अंदर चिकन की साइज़ हमने थोड़ी बड़ी ली है, तो उस हिसाब से मैं इसको थोड़ा टाइम अच्छी खासी देर तक जो है ना पकने दूँगी।
करो बंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी मैं फ्राई कर रही हूँ ये अपना जो टिक्का है उसको, थ्रेड वाला चिकन मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने ये वाला उसमें ऐड कर दी थी। तो फ्रेंड्स ये जो मेरी दोनों रेसिपी बहुत यम्मी बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं फिर से अच्छी रेसिपी के साथ आप लोगों से ज़रूर मिलूँगी इंशाल्लाह से। तो बस कमेंट करते रहिए और गिवअवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी ज़्यादा अच्छा लगे। और इंशाल्लाह से जो है हम लोग जल्दी मिलेंगे लाइव में, तो उसमें भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। और यहाँ पर अभी मैंने निकाल दियो, थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि एक हाथ से मैं कर रही थी शूट और एक हाथ से निकाल रही थी मैं चिकन को। और ये देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी है माशाल्लाह से। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।